पॉल्यूशन केंद्र कर विभाग में रजिस्टर्ड नहीं कोई कर जमा करवाते हैं पर ग्राहकों से जीएसटी वसूला जा रहा है। अब इस तरह पॉल्यूशन सेंटर करोड़ों का घोटाला देश की राजधानी दिल्ली में कर रहे हैं। डबल ए न्यूज इस घोटाले को उजागर कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में आजकल पॉल्यूशन सेंटरों द्वारा सरकार की नाक के नीचे एक नया खेल खेला जा रहा है, जिसमें फेडरेशन ऑफ नरेला द्वारा लगाई गई आरटीआई में यह खुलासा हुआ है। इस समय दिल्ली में 991 प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाने वाले सेंटर कार्य कर रहे हैं। इस समय दिल्ली में लगभग 92 लाख से 95 लाख छोटी बड़ी गाड़ी है जिनका हर 3 महीने में प्रदूषण प्रमाण पत्र बनता है, लेकिन यह सेंटर हर गाड़ी पर जीएसटी के नाम पर 20 रुपए वसूल रहे हैं, जिसका कोई भी बिल जारी नहीं किया जाता। जब भी कोई गाड़ी वाला बिल मांगता है तो उसको यह मना कर देते हैं और बताया जाता है यही बिल है जो प्रदूषण प्रमाण पत्र आपको दिया गया है उसी पर मेंशन किया है। एक बिल्कुल छोटी लाइनों में नीचे लिखा गया है जीएसटी 18% इंक्लूड है। जैसे कार का प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो 80 रुपए लगते हैं, लेकिन 18% जीएसटी लगाकर वसूला जाता है, लेकिन 80 रुपए का 18% जीएसटी 14 सेकंड 40 रुपए बनता है, लेकिन यह सेंटर वाले 20 रुपए चार्ज कर रहे हैं। बिल मांगने पर लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू होते हैं। फेडरेशन ऑफ नरेला सब सिटी के अध्यक्ष जोगिंदर दहिया का कहना है, हमारे संगठन द्वारा लगाई गई आरटीआई में जो जानकारी आई है वह बड़े चौंकाने वाली है। एक, दिल्ली में इस समय 991 प्रदूषण केंद्र कार्य कर रहे हैं। दो, आयकर विभाग द्वारा दी गई जानकारी कोई भी पोल्यूशन सेंटर कर विभाग में रजिस्टर्ड नहीं है जो टैक्स देता हो। अब गंभीर विषय यह है जब कोई प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाने वाला टैक्स देता ही नहीं तो यह 18% वसूला गया, जीएसटी कहां गया, इसको कौन खा रहा है, यह जांच का विषय है। हमारा संगठन मांग करता है इस गंभीर विषय की जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि एक दिन में एक प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाने वाला सेंटर लगभग 80 सेकंड 100 सर्टिफिकेट तक बनवाता है। इस हिसाब से एक दिन में लगभग 70 सेकंड 80,000 गाड़ियों का प्रदूषण प्रमाण पत्र बनता है हर रोज। फिर यह एक दिन का करोड़ों रुपया का घोटाला कौन कर रहा है, इसकी निष्पक्ष एजेंसी से जांच होनी चाहिए जिसे जनता के पैसे की लूट को रोका जा सके। पॉल्यूशन के सामने आ रहा था तो क्या ये उसी से कुछ मैच करता है? देखिए, हमारा संगठन जनहित के कार्य करता रहता है, इसलिए समय समय पर आरटीआई लगाता रहता है। हर विषय पे आरटीआई लगाते हैं, क्योंकि हमारा संगठन लगभग 170 रजिस्टर्ड संगठनों का महासंघ है और जनहित के कार्य करता रहता है, इसलिए आरटीआई जनहित के लिए जरूरी है। मैं जोगिंदर दहिया, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ नरेला। सर, किस तरह की शिकायत है और क्या बता रहे हैं, किस तरह की धांधलीबाजी चल रही है प्रदूषण को लेकर? देखिए, हमारे संगठन ने, फेडरेशन ऑफ नरेला ने एक आरटीआई लगाई थी प्रदूषण विभाग अंडर हिल रोड दिल्ली। उसमें जानकारी मांगी गई थी, क्योंकि प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाते हैं 80 रुपए के साथ 18% जीएसटी लगा के लिया जाता है, जबकि 20 रुपए ऊपर लेते हैं। अगर 18% के हिसाब से लें तो 14.40 रुपए बनते हैं 80 पैसे में, लेकिन वो 20 रुपए लेते हैं। वो भी कोई बात नहीं, 2-4 रुपए ज्यादा हम नहीं मानते, लेकिन उसके बाद ज्यादा लेने के बाद भी मैंने आरटीआई लगाई तो हमें तो पता चला, ना कोई रसीद ना कोई बिल, मांगते हैं तो लड़ाई झगड़ा करते हैं। जब आरटीआई लगाई तो उसमें आरटीआई में बताया गया कि प्रदूषण प्रमाण पत्र कोई भी कर विभाग में रजिस्टर्ड नहीं है, तो 20 रुपये किसकी जिम्मेदार है? लगभग दिल्ली में 92 लाख से और 95 लाख व्हीकल हैं छोटे बड़े, जिनके हर 3 महीने में प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी होते हैं। उसके बाद एक दिन में लगभग 50 से 60 हजार प्रमाण पत्र बनते हैं, उसको हिसाब लगाएं 20 रुपए के अनुसार, तो लगभग करोड़ों रुपए का घोटाला रोजाना है। यह किसकी जिम्मेदार है, जांच का विषय है। मैं सरकार से भी मांग करता हूं इसकी जांच की जाए और जो दोषी अधिकारी इसमें शामिल हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और जनता के पैसे की लूट खत्म होगी। निष्पक्ष जांच करानी चाहिए किसी तीसरी एजेंसी से। तो इस चीज का आपने कोई और भी रिटर्न में कंप्लेंट और आरटीआई या कोई रिमांड लगाया हो? देखिए, अब आरटीआई की अपील भी लगाई है, प्रॉपर जानकारी तो दे नहीं रहे, और भी जानकारी अब अपील लगाई है, उसमें क्या करेंगे, लड़ाई काफी लंबी चलेगी क्योंकि घोटाला बहुत बड़ा है। अब इसमें हमें धमकियां भी मिलेंगी और भी कई सारे, हमें खरीदने का प्रयास भी किया जाए क्योंकि घोटाला करोड़ों रुपये से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम भी अब सावधान है इस चीज से और सरकार से मांग करते हैं इसकी जांच निष्पक्ष एजेंसी से होनी चाहिए। सर, क्या कुछ मामला सामने आ रहा है राशन कार्ड का? राशन कार्ड भी नहीं मिला और राशन कार्ड भी जब्त होने की बात हो रही है। देखिए, एक उपभोक्ता ने हमारे फेडरेशन ऑफ नरला में एक कंप्लेंट दी थी, जिसमें बताया गया था कि मेरा राशन जो मैं कभी लिया ही नहीं और हर महीने मेरे को मैसेज आता है फोन पे का, आपका राशन यहाँ से बट चुका है। समस्या ये है कि जब राशन वो लिया ही नहीं तो राशन जाता कहाँ है? तो फेडरेशन ऑफ नरला ने आगे एफएसओ को भी कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था, लेकिन एफएसओ साहब की
जो लैंग्वेज भाषा थी बात करने की वो बड़ी ही नचीदा थी और बिल्कुल एक अधिकारी का ऐसा बोलना नहीं बनता। उन्होंने मेरे को भी धमकी दी, आप क्या लग रहे हो, आप क्यों पीछे पड़ रहे हो, उसको बंद कराओ, क्योंकि कड़पड़ है कहीं ना कहीं, घोटाला तो है इसमें भी। जब जनता का राशन कोई खा रहा है, अधिकारी की भागीदारी के बगैर कोई संभव नहीं है दुकान वाला राशन खा जाए। ये उषा वाइफ ऑफ सतीश कुमार का राशन कार्ड है जिसकी शिकायत पे हमने कार्रवाई की, मुख्यमंत्री को भी लिखा है, आयुक्त महोदय को भी लिखा है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही किसी प्रकार की, क्योंकि उसका राशन हर महीने जा रहा है, मैसेज आ रहे हैं उसके पास। तो राशन की मैंने तो निवेदन किया सरकार से भी इसकी जांच की जाए, दूध का दूध पानी अपानी हो जाएगा। और हमारे फेडरेशन ऑफ नरला ने इस पे एक आरटीआई लगाई है, लेकिन वो काफी समय से उसमें भी कोई जवाब नहीं दे पा रहे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मेरे को तो इस राशन डिपार्टमेंट में ही लगता है, सबसे बड़ा घोटाला है इसमें अगर जांच हो जाए तो। क्योंकि पता नहीं कितने आदमी ऐसे हैं, ऊपर से एफएसओ साहब धमकी देता है कि हमें इनका राशन कार्ड कैंसिल कर दूंगा। मैंने कहा महोदय ऐसे राशन कार्ड कैंसिल कैसे कर दोगे, ये राशन ले या ना ले, राशन कार्ड कैंसिल करने की धारा के अंतर्गत। तो उन्होंने मना किया। अब बेचारा कस्टमर क्या करेगा, कहीं ना कहीं शिकायत ही कर सकता है, लेकिन अधिकारी सुनने को कोई तैयार नहीं है। सरकार से मांग करते हैं इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन कुछ दिन पहले राशन कार्ड में जो धांधलेबाजी हो रही थी, राशन की धांधलेबाजी हो रही थी, उसको देखते हुए सरकार ने स्क्राइब मशीन और जो स्विंगर्स का भी यूज करना शुरू कर दिया, जिससे अब चोरी नहीं हो रही है, उस बारे में क्या कहना? देखिए राशन डिपार्टमेंट एक ऐसा भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, उसमें चाहे कुछ कर लो वे कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेंगे। वो तो बोरियों से वो निकाल लेते हैं, टेम्पो में मिल जाते हैं। तो अब पता चला है कि गाड़ियों के बजाय टू व्हीलर पे राशन ढो दिया उन्होंने, तो कहीं ना कहीं बड़े शर्म की बात है। जो ईमानदार सरकार का तगमा लेकर केजरीवाल जी घूमते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास ये अधिकारी कर रहे हैं।